हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं। तो झटपट से बताता हूं, आज मैं बना रहा हूं मोची, जो कि एक जैपनीज डिश है, और दूसरा एक केटो कुकीज जो कि ओट्स और बनाना से बनेगी। यह एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसको आप हफ्ते में दो बार फास्टिंग करें और इसको ब्रेकफास्ट में खाएं और अंतर देखें। आधा कप राइस फ्लावर और आधा टेबल स्पून आपका कॉर्न स्टार्च डाला है। ऐसे मोची बनाने में आपका ग्लूटनाइज या स्टिकी राइस पाउडर यूज किया जाता है, बट आप नॉर्मल राइस फ्लावर यूज कर सकते हैं। आप अपने घर के राइस को पाउडर करके नहीं यूज कर सकते, क्योंकि राइस फ्लावर जो होता है वो प्री सोक्ड 10-12 घंटे का सोक्ड राइस होता है, जो कि आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है। बेसिकली मोची जैपनीज प्रिपरेशन है और मोची का मतलब क्यूट होता है। अब इस डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तब तक अपनी केटो कुकीज की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। आधा कप ओट्स, फिर आपका कोकोनट का बुरादा, केला डाल दिया है एक, थोड़ा मीडियम सा, और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, चॉप की हुई रेजिन। अब इसको मिला के इसका डो बना लेंगे, और डो बनाने के बाद इसको दो हिस्से में बराबर करके बेक करेंगे 180 डिग्री टेम्परेचर पे 13 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं अपने ओवन के हिसाब से, बीच बीच में चेक कर सकते हैं। अब जब तक कुकीज तैयार हो रही है, तब तक हम अपनी मोची तैयार कर लेते हैं। मोची को स्टफ करके बनाएंगे। आपकी चॉकलेट है और खजूर से, आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो यूज करिए, बट ये अच्छे हैं। आप अपने ब्रेकफास्ट में इसको यूज करें। हफ्ते में दो बार जब आप फास्टिंग करें, आप इसको खा के जाएं और पूरे दिन कुछ ना खाएं, पानी पिएं। आप अपने अंदर जो एनर्जी फील करेंगे वो एक अलग ही लेवल पे होगी। कैटो मींस कट द कार्ब, सो कैटो डाइट इज लो कार्ब डाइट बेसिकली, जो कि लोग आजकल फॉलो करते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपका दोनों तरीके से बैलेंस्ड है, और आप इसको जब ब्रेकफास्ट में लेके जाएंगे तो यू गेट ऑल द थिंग्स विच इज नेसेसरी फॉर योर बॉडी और गिव द एनर्जी ऑल्सो। ये कुकीज भी आपकी बेक्ड हो चुकी हैं। अब इसको मैंने थोड़ा सा घी से ब्रश किया है, क्योंकि जब आप इसको खाएंगे तो आपको थोड़ा सा ड्राइनेस फील होगी, क्योंकि ओट्स है और बनाना है, रेजिन डली हुई है। चलिए अब अपने मोची को भी फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई करने के बाद इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे दूध का, जो कि हम उसमें इसको डिप करके खाएंगे। जापान में जो लोग हैं वो इसको ऐसे ही खाते हैं, और हम यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं कि आप ब्रेकफास्ट में आप दूध के साथ केसर डाल करके मोची, जिसके अंदर डेट्स डला हुआ है, राइस है, और प्लस आपकी केटो कुकीज है, इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, आप उसको लेके जा सकते हैं। अब आधा कप दूध के अंदर 2 चम्मच कंडेंस मिल्क डाल देंगे और थोड़ा सा सैफ्रन के थ्रेड डाल देंगे। इसको 5 मिनट उबालेंगे थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए। फिर आपकी जो फ्राई की हुई मोची है वो इसके अंदर डाल देंगे और उसको फिर 5 मिनट पकाएंगे और उसको रख देंगे साइड में। अब ब्रेकफास्ट में ऑफिस जाने से पहले आपका 2 पीस मोची, 1 पीस कुकीज और इसका दूध लेकर के पी करके जाएंगे। पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, पानी पिएंगे, और फिर वापस रात को घर आएंगे, हफ्ते में 2 बार करेंगे और फील करेंगे उस एनर्जी को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बेल इंडिकेशन दबाना मत भूलिएगा मेरे अगले वीडियो के अलर्ट के लिए। अब ये मोची इसमें डाल दिए हैं, अब इसको ढक करके 5 मिनट और पकाएंगे और सर्व करेंगे। दोस्तों, मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं, अब आपसे मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्पेंड लेस, ईट बेस्ट। सी इट, ट्राई इट, मेक इट, फील इट।